Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree, where enlightenment is guaranteed. MBA aspirants can draw inspiration and valuable lessons from Mahendra Singh Dhoni's leadership style, decision making, and management skills. Here are 5 things MBA aspirants can learn from Mahendra Singh Dhoni. Point number 1, remaining cool under pressure. अभी रिसेंटली युजवेंद्र चहल का एक रील बहुत वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जब धोनी विकेट कीपर थे और जब चहल बॉलिंग डाल रहे थे तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच थी जिसमें क्लासन एक बैट्समैन है जो चहल को बहुत छक्के मार रहे थे, हर एक बॉल पे छक्के खा रहे थे चहल, तो पीछे धोनी थे वो आए एक बॉल के बाद कि चहल तो ऐसे ऐसे बॉल डाल, चहल ने वैसे वैसे बॉल डाला, वापिस से छक्का खाया, वापिस से चहल के पास गए, चहल तो ऐसे ऐसे बॉल डाल, वापिस से छक्का खाया, वापिस से धोनी जैसे चलते चलते आए चहल के पास, चहल को लगा कि अभी वापिस से कुछ सजेशन मिलेगा, धोनी बस उनसे कामली बस यही बोला कि चहल टुडे इज नॉट योर डे, जैसे डालना है वैसे डाल, डोंट टेक प्रेशर, दैट्स इट। वो ओवर चहल ने उसके बाद बहुत अच्छे से डाली थी, यही उनकी एक चीज है कि वो प्रेशर नहीं लेते, जितना भी प्रेशर रहे ही इज एबल टू परफॉर्म वेल अंडर द प्रेशर। ये चीज भी तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी व्हाइल यू आर प्रेपिंग, प्रेपिंग के टाइम भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि अरे मुझसे ये होगा क्या, वो होगा क्या। क्या होता है कि बहुत बार जब तुम प्रेशर लेते हो तो यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, कि कॉन्स पढ़ रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, यू विल बी फॉरगेटिंग वॉट एवर यू हैव लर्न्ड। सिमिलरली जब भी तुम मॉक्स दोगे तो मॉक्स में भी क्या हुआ कि CET 2022 की ये स्टोरी है कि कोई स्लॉट में पहले 10 क्वेश्चंस बहुत टफ आए एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो पहले टफ 10 क्वेश्चंस देख के दे बहुत प्रेशर लिया कि आगे के क्वेश्चंस भी शायद से डिफिकल्ट हो, बट आगे के 190 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बट दे कुडंट परफॉर्म वेल बिकॉज पहले 10 क्वेश्चंस के प्रेशर में उन्होंने टेंशन स्ट्रेस लेना स्टार्ट किया एंड अनफॉर्चुनेटली आगे के 190 क्वेश्चंस में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिमेन कूल अंडर प्रेशर। पॉइंट नंबर 2, टेकिंग बोल्ड डिसीजंस। धोनी इज ऑलवेज नोन फॉर थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, ऑलवेज टेकिंग बोल्ड डिसीजंस। तो जैसे ही स्टार्टेड द ट्रेंड वेर इन द बॉलिंग अटैक जनरली हम लोग फास्ट बॉलर से स्टार्ट करते, ही यूज्ड टू स्टार्ट विद अ स्पिनर, सिमिलरली बैट्समैन जो नंबर 10 का बैट्समैन है उसे ऊपर भेजते थे कि तू मार, आउट हुआ तो आउट हुआ, मारा तो अच्छा ही, आउट हुआ तो भी इट्स नॉट अ बिग डील। सो ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यू टू विल हैव टू टेक बोल्ड डिसीजंस। जैसे मॉक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त के लिए कोई पर्टिकुलर मॉक स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, मे बी तुम्हारे लिए नहीं वर्क कर रही, सो डोंट फॉलो व्हाट अदर्स आर फॉलोइंग, सेट योर ओन रूल्स। जैसे वन ईयर का गैप कैसे लूँ, वन ईयर के गैप से मेरा मे बी CV खराब हो जाएगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, वन ईयर से कुछ लाइफ में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है तुम्हारी। 80 ईयर्स के लाइफ में, लेट्स से कि इफ़ यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, आगे की 60 ईयर्स की तुम्हारी लाइफ बची है, उससे वन ईयर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एज अपोज टू अगर तुम्हारा एज ही अभी 26, 27 है एंड देन यू आर थिंकिंग कि एक ईयर का मैं गैप लूँ क्या, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सिमिलरली कि जॉब करते करते पढ़ाई नहीं हो रही है मेरी तो जॉब छोड़ू क्या, ऑफकोर्स यू हैव टू टेक अ बोल्ड डिसीजन। नहीं हो रही है पढ़ाई, यू आर मतलब तुम्हारी फैमिली तुम पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, सो टेक दैट डिसीजन, जॉब छोड़ के पूरा 100% एफर्ट्स प्रेप पे डालो। मेरी कजिन की शादी आने वाली है, मुझे नाचना है, मुझे 10 दिन एंजॉय करना है, पर एट द सेम टाइम ऐसे भी सोचो कि 10 दिन वेस्ट हो गए, क्या मैं इसे स्किप कर सकता हूँ ये शादी। आई नो कि मेरी कजिन की शादी एक ही बार होने वाली है, तो ऐसे भी सोचो कि तुम्हें JBIMS जाने का चांस एक ही बार मिलने वाला है, तो रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, ऐसे मत सोचो, फोकस ऑन योर प्रेप। पॉइंट नंबर 3, अडैप्टेबिलिटी। धोनी ऑलवेज अडैप्ट्स, ऑलवेज एज पर द सिचुएशन, ठीक है। जैसे उसको T20 में छक्के मारने तो वो सेवाग की तरह छक्के भी मारेगा, फास्ट खेलेगा, एज अपोज टू उसे टेस्ट मैच में 5 दिन धीरे 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 खेलना है तो वो द्रविड़ के जैसे वॉल बन के डिफेंड कर करके थका थका के भी खेलेगा। सिमिलरली यू टू हैव टू अडैप्ट। अरे मैं हमेशा LR में मॉक्स में जब मैं मॉक्स लिखता था तो LR में 75 में से 75 लाता था, तो आज CET के दिन में भी 75 में से 75 लाऊंगा। पर अगर तुम्हारे स्लॉट में उन्होंने जानबूझ के LR टफ पेपर सेट किया है तो तुम ईगो पे लोगे,
कि नहीं मुझे मॉक में 75 मिलता था, अभी भी 75 लाऊंगा, ढाई घंटे तुम पूरा एलआरई सॉल्व करोगे, इसका कोई मतलब नहीं। यू हैव टू बी अजाइल, यू हैव टू अडैप्ट, देखो डिफिकल्टी लेवल देखो, उसके बेसिस पे अडैप्ट करके यू हैव टू टैकल वॉट एवर, मतलब जो भी तुम सिचुएशन फेस कर रहे हो, मॉक हो गया, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, या बीट एनी जनरल सिचुएशन इन योर लाइफ, ऑलवेज ऑलवेज बी अजाइल। पॉइंट नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स। धोनी हैज नेवर लेट फेलियर्स डिफाइन हिम, ही हैज ऑलवेज लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ही हैज चेंज्ड हिज गेम अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ही नेवर वरीड अबाउट द रिजल्ट्स बट फोकस्ड ऑन द प्रोसेस। तुम्हें भी ऐसे ही करना है, तुम जब भी मॉक्स दे रहे हो मॉक्स एनालाइज करो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स में क्या गलतियां हो रही देखो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारा स्पीड भी बढ़ेगा और जो भी गलतियां कर रहे हो तुम सुधारो उससे, ठीक है, सुधरो और प्लस गलतियों को सुधारो। डोंट ट्रीट मिस्टेक्स एज अ फेलियर, ठीक है, अग्नि परीक्षा देते रहो, प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो। तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु हैव फेल्ड मेनी टाइम्स। फेल करो तुम, मतलब ऐसे मत डरो कि अरे मेरी अभी तक प्रेप ही नहीं हुई तो मैं अग्नि परीक्षा कैसे दूं संडे को, तो ऐसे मत सोचो। भले तुम जीरो लाओ, अभी तुम माइंडसेट डेवलप करो कि नहीं मुझे ये 20-20 मिनट की क्विजेस देने, फिर मंथली अग्नि परीक्षा दैट इज मेगा क्विज देनी है जो 30 मिनट की होगी, फिर सेक्शनल टेस्ट देने जो एक घंटे के हो गए, ऐसे करते करते फिर हम लोग मॉक्स देंगे, ठीक है। तो तुम कंडीशन करो माइंड, प्लस फेल हुए तो हुए, जीरो मार्क्स मिले तो मिले, इट्स फाइन, ठीक है। यू डोंट हैव टू डिफाइन योर सेल्फ विद दोज फेलियर्स। तुमको ये ध्यान रखना है कि धोनी स्टार्टेड हिज करियर वेरी लेट, ठीक है। लेट क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन रणजी, मतलब रणजी में ही गॉट एंट्री बट ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन रणजी। तो उसने ऐसे नहीं किया कि अरे मैं फेल हो रहा हूँ तो खत्म है मेरी लाइफ, अभी मैंने कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए, मैं कंडक्टर ही बन के रहता हूँ लाइफ टाइम, नहीं। सो ही फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ्स, ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन फेलियर्स, ही लर्नड फ्रॉम द फेलियर्स, ही लर्नड फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड ही मेड श्योर कि ही नेवर रिपीटेड दोज मिस्टेक्स एवर अगेन। पॉइंट नंबर 5, ड्रीम बिग। धोनी हैज टॉट अस टू ड्रीम बिग, ठीक है। हम लोग अभी मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट हम लोग बड़ा सोचते, गेटिंग इन टू नॉकआउट गेम्स वॉज अ बिग अचीवमेंट बिफोर धोनी, कि हम लोग नॉकआउट गेम तक पहुंचे, सेमीफाइनल फाइनल वो तो दूर तक दूर की बात, पर नॉकआउट स्टेज तक पहुंचे, सो इट वॉज अ बिग डील फॉर अस। ही टॉट अस टू ड्रीम बिग, ही टॉट अस दैट इवन वेन यू आर एन अंडरडॉग यू कैन विन, ही टॉट अस टू बिलीव इन आवर सेल्फ। तो तुम्हें भी ऑलवेज ऑलवेज जब भी प्रेप स्टार्ट करोगे यू हैव टू फोकस ऑन JBIMS ओनली, योर टारगेट शुड बी JBIMS ओनली, टॉप कॉलेजेस ही टारगेट करो, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर तुम प्रेप करो एंड उस हिसाब से ही तुम्हारा फिर ड्रीम फुलफिल होगा। तुम अभी से ड्रीम करोगे कि नहीं मुझे 10th नंबर का या 10th रैंक का कॉलेज भी चलेगा तो तुम्हें 15th रैंक का कॉलेज मिलने वाला है, टॉप के तो भूल ही जाओ, टॉप मतलब जो तुम्हारा टारगेट था वो भी नहीं मिलने वाला है। That's it for this video, guys. यही सब तुम्हें बताना था कि what are the things that you can learn from महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे ही कुछ चीजें हैं कि जो तुम सीख सकते हो तुम्हारे आइडल्स से, तो do mention those in the comment section below। और तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो से तुम्हें मोटिवेशन मिल रहा है या अच्छा मजा आया, do let us know in the comment section, तो उस पर हम लोग और वीडियो बना सकते हैं। If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel। That's it for this video, guys. See you in the next video.